में तो शुरू में तो उसकी मेरी फीलिंग बहुत अच्छी थी, ठीक है। बीच में वो मेरे से 2 दिन चेंज हुआ है, उसके बाद अब वो मेरे साथ रोता है। उसको मैं कोई भी कमांड में मेरे पास आते तो वो रोना शुरू हो जाता है, या वो किसी और टीचर का हाथ पकड़ने की मतलब मेरे से अवॉइड करता है कि मैं इसके सामने ना आऊँ, मतलब दूसरी टीचर से सपोर्ट मांग रहा होता है। तो वो पेरिंग उसकी मेरी 2 डेज के अंदर अंदर अफेक्ट हो इफेक्ट हो ब्रेक गया, हो। ब्रेक हो गया। ये तो मैं वैसे शेयर कर रही थी। और दूसरा मैं आपसे शामीर से रेलिवेंट पूछना चाहती थी कि इसके शामीर को तो काफी टाइम हो नहीं, क्या शामिल रोते हैं। की पेरेंट्स से जो मेरी बात हुई है ना, उसमें वो उसको सब अलाउ कर रहे हैं जो हम यहाँ अलाउ नहीं कर रहे। बहुत बड़ा तो अब वो जैसे वो हाथ पकड़ के हमें लेके जाने की कोशिश करता है, मैंने कहा ये आप क्या करवाते हैं घर में, क्या ऐसा चीज़ है जो वो यूँ हाथ पकड़ के कहती है ये मैं मेरे साथ वॉक करने जाता है और सड़क पे गाड़ियाँ देखने जाता है, तो ये मैं डेली इसको लेके जाती हूँ जब ये मुझे कहता है। तो मैंने कहा कि अब इसको कम करें और इसको इस आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दें, क्योंकि यहाँ पर हमें लेके जाता है। जो आप मिल गया मुझे तो मिल गया। जी, हम इन चीजों को ब्रेक करने के लिए इधर को खींच रहे हैं उसको, वो इन चीजों को जानते या ना जानते हुए मजबूर होके या जैसे भी वो इनको कर रहे हैं। अब यहां पे वो कितना टाइम गुजार रहे हैं? 3 आवर्स। घर में कितना है? 21। सोने का निकाल दे 10 घंटे सो जाते हैं, 11 आवर्स। 11 आवर्स इनकी प्रैक्टिस हो रही है, 3 आवर्स इनकी काउंटर प्रैक्टिस हो रही है। व्हाट विल बी गेट स्ट्रेंथन दिस वन। तो मैंने इसलिए लास्ट वीडियो के अंदर भी बात की थी और मैं इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि पेरेंट्स हम बात करें, मिले, मीटिंग करें कि अगर वो अच्छा। दूसरा फैक्टर उसका लेवल ऑफ फंक्शनिंग, एज उसकी क्या है? 6+। 6+ पे पैटर्न स्ट्रांग हो जाते हैं, स्ट्रेंथन हो जाते हैं। उस पर एफर्ट करने का फायदा तब है अगर फायदा होता है। 6 ईयर्स तो कम है, जब मैंने इससे बढ़ ज्यादा 9-10 साल के बच्चे भी नॉन वर्बल वर्बल में कन्वर्ट होते देखे मेरे अपने पास, अल्हम्दुलिल्लाह। मकसद ये कि लर्निंग एज वो जो डेवलपमेंट की हमने बात की वो बेशक पैटर्न बन गए, फिर भी चेंज हो जाते हैं, टाइम बढ़ जाता है, एफर्ट बढ़ जाती है। तो आई एम नॉट वरीड फॉर दैट, कंसिस्टेंसी के साथ करते रहेंगे, अल्लाह ताला बरकत डालेगा, बेहतर होता रहेगा। इंटेंशन सही है आपकी, नियत सही होनी चाहिए, जरूरी है, वो ठीक है तो बढ़ेगा, बेहतर होगा। तो पॉइंट इज दिस, उसका प्रॉब्लम ये है कि वो 6+ पे है, चीजें स्ट्रेंथन्ड है, हम इधर को जोर लगा रहे हैं, वो उधर को जोर लगा रहे हैं, तो प्रॉब्लम तो रहेगा। तो ये चीज मैं पेरेंट्स को बहुत क्लियरली बता देता हूँ, वो जो रिटन मैसेज में आपको शेयर करता हूँ उसमें सब में ये लिखा हुआ है मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। अब वो अगर करेंगे साथ तो मेरा एस्टिमेटेड टाइम के अंदर वो चीजें अचीव होंगी, अगर वो नहीं करेंगे तो वो चीजें टाइम ज्यादा ले लेंगी, फ्लक्चुएट करते रहेंगे बिहेवियर ऐसे 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 ऐसे। मुझे देखता है, मैं क्लास से गुजरूंगी तो मैं पीछे पीछे आ जाता है, मैं जहाँ बैठी होती हूँ चेयर लेके मेरे पास आगे बैठ जाएगा। इवन सर का टाइम में जहाँ मैं होती हूँ वो मुझे बहुत फॉलो करता है, उसको छोड़े आप करते हैं, अगर हर दफा आपके पास आके बैठना चाहता है वो रेंट फॉर्मूला यही तो अभी उसका तो इतना सा टाइम हुआ है यूसुफ की बात करें तो 1-2 महीने 1.5 महीना हुआ उसका शायद 1.5 मंथ 1.5 मंथ इज टू लेस अ टाइम टू चेंज दीज पैटर्न्स जो बन गए हैं, क्योंकि उसे 3-4 साल एज उसकी है 3.5 साल का लगाए हमने, 3.5 साल तक जो पैटर्न उसके बन गए हैं उसको 1.5 महीने में नहीं ब्रेक कर सकते ना, उसको टाइम लगेगा। तो वो सोशल भी होगा इंशाल्लाह, वो ही अंडरस्टैंडिंग भी उसकी होगी ग्रेजुअली, तब उसको फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके साथ होना या ना होना या आपके साथ ही होना, ये चीज़ ग्रेजुअली एडजस्ट होगी जब जो उसका रेपिटेटिव बिहेवियर ब्रेक होगा। रेपिटेटिव बिहेवियर ब्रेक कैसे होता है? रेपिटेटिवनेस सबसे मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है इन बच्चों का, अगर हम इसको बेहतर कर देना तो अटेंशन भी देने लग जाता है, ये सारी चीजें बेहतर हो जाती हैं अगर हम इसको बेहतर कर देते। यहां भागता है रेपिटेटिव पैटर्न, आई रिड्यूस द अपॉर्चुनिटी ऑफ रनिंग इन दिस एनवायरमेंट, दिस विल रिड्यूस हाइपर एक्टिविटी।
दिस विल इंक्रीज टेंशन गिविंग, दिस विल हेल्प इन लर्निंग प्रोसेसिंग, बिकॉज तेजी खत्म होगी ना, तेजी में करेगा तो कैसे समझ आएगी, यहाँ तो तेजी से भागता है, इधर कौन बैठा है, इधर क्या पड़ा है, इसे किस कौन सी आवाज कान में आई है, सब वेस्ट चल जाता है, आवाज सुनता है, नजर आता है, बट वो स्टिमुलेशन ब्रेन को मिलती नहीं है। सेशन में आज यहां से उठा है, तेजी से स्लाइड इधर भागा है, मुझे उठ के पकड़ना पड़ा, तीन बच्चों का सेशन था, इकट्ठा जॉइंट ले रहा था मैं, यहां पे आके मैंने उसको पकड़ लिया, मैंने बीच में आवाज भी लगाई, यूसुफ स्टॉप, यूसुफ नो वेट, उसने प्रोसेस नहीं किया मेरी आवाज को, बाय हाइपर एक्टिविटी, उसका अटेंशन और फोकस उसका कहां था, मैंने स्लाइड लेनी है, अब उसके जहन में वो स्टक है, मेरी आवाज कान में उसके में जरूर गई है, ही इज नॉट हार्ड ऑफ हियरिंग, उसे प्रोसेस ही नहीं किया मेरी आवाज को, उसको आता ही नहीं मैं ऐसे वक्त में एक चीज को प्रोसेस करना, जब उसकी अपनी चीज जहन में सवार है, मैंने वो करना है, अब वो किसी के नहीं सुनता, दिस इज इशू, वो रेपिटेटिवनेस की वजह से एक पैटर्न बन गया उसके ब्रेन के अंदर कि अपना काम जो जेन में आ गया करना है फौरन करना है, उसको ब्रेक करना है, अब रेपिटेटिवनेस को कैसे ब्रेक करें, ये बड़ा मुश्किल काम है, आसान नहीं है ये, मुश्किल काम इसलिए है क्योंकि आप उसको समझा नहीं सकते कि डोंट डू इट, आपके पास कोई डिलीट का बटन नहीं है जो आप दबाएंगे तो उसके दिमाग से वो चीजें डिलीट हो जाएंगी रेपिटेटिवनेस आनी जो उसकी स्ट्रेंथन हो गई है, ये पॉसिबल होता है इफ वी रिड्यूस दी अपॉर्चुनिटी, यूसुफ ऐसे से करता था उन फिंगर्स के साथ, तो उसको जब तक हम माना कितना करें हाथों को कितना बिजी करें वो करता रहता था, अब उसका नुकसान क्या था, एक तो ये स्पेसिफिक पैटर्न्स या बिहेवियर और बिहेवियर स्ट्रांग हो रहा था, दूसरा नुकसान उसका यह था कि ओवरऑल रेपिटेटिवनेस उसके ब्रेन के अंदर भी स्ट्रांग हो रही थी क्योंकि शी वाज प्रैक्टिसिंग इट इन वन वे, उसका नतीजा बाकी चीजें जो प्रैक्टिस नहीं भी कर रहा वहां पर भी रेपिटेटिवनेस उसकी स्ट्रेंथन हो रही थी ब्रेन के अंदर, अब एक अपॉर्चुनिटी रिड्यूस करनी पड़ी, उसके हाथों को भी बांधना पड़ा, यहाँ पे वो चढ़ा दिया हमने जिसमें हाथ पास ही नहीं आते थे, उसका बदला चढ़ा दिए, वन वे ऑफ अदर हमने उसको, अब इस चीज का अगर मुझे पता है कि कोई भी ऑड बिहेवियर बच्चा कर रहा हो तो मुझे उसको रैंडम करना है, रोकना है वन वे ऑफ अदर, तो मैं उसको अलाउ नहीं करूंगा कोई भी काम रिपीटेडली करने में, क्यों नहीं करूंगा, दिस विल अफेक्ट हिज ऑल अदर थिंग्स, मैं सर धड़ की बाजी लगा दूंगा उसको रिपीट नहीं करने दूंगा, ठीक हो, अब आगे तलाक है, तलाक अगर तशवीश के साथ आप उसको अगर नहीं रोकेंगे वन वे ऑफ अदर तो वो लर्न नहीं करेगा, अब्दुल्ला छोटा हाथ ऐसे ऐसे करता है, मैं नहीं करती क्या फर्क पड़ता है, करता है करता रहे बैठा तो है ना, मैं नहीं करती बिकॉज दिस इज अफेक्टिंग माई वर्किंग, वो गाड़ियों के पास जाके गाड़ियां देखता तो क्या है, करता रहना देखता रहना घर में गाड़ियां, तो किसकी बात करते हैं, देखता देखता फर्क पड़ता है, गाड़ियां देखने से क्या होता है नुकसान होता है, उसको पसंद है गाड़ी दैट्स गुड, गाड़ी पसंद है देखना इज गुड बट नॉट इन अ रेपिटेटिव वे, एंड वंस अ चाइल्ड हैज डिलेज इन हिज माइलस्टोन्स फिर मैं उसको कोई भी काम रिपीट नहीं करूंगा इफ ही इज ऑन द स्पेक्ट्रम, ठीक है, उसकी प्लेट इतनी भरी हुई थी, बॉडी वेट भी उसका देखे तो वो बीएमआई उसका निकाले तो उसको कहां चला जाएगा, लंच में मैंने आज उसको देखा इतना, तो मैंने उसको पॉइंट आउट किया उसको कि इसको सर्विंग को छोटा करें, इसको इनको मींस एंड वाली बात को समझे, यहाँ पे इनको कोई नहीं पता होता कब रुकना है, खाना शुरू करेंगे खाते जाएंगे, मैंने पहले कहा सब बच्चे हमारे पास यहाँ पे ब्रांच है, ज्यादा हो जाता है, मैंने उसका वो लंच बॉक्स बंद करवा दिया तो वो रोज एक्सप्लोरिंग है।
different person. Aggressively. Behavior कहाँ शुरू हुआ? जब उसकी reputation को आपने check किया, तो उसे behavior show करना है. अब उसमें formula क्या होता है? जहाँ पे strengthen वो behavior age उसकी देखते हैं तो वो 24 साल का बच्चा है. 23-24 साल के ऊपर उसके aggression को manage करना बड़ा मुश्किल होता है. उसने पकड़ लिया दबोच लिया वो अली से भी डर लगता है. तो इस तरह के केस के अंदर हमें ग्रेजुअल चलना पड़ता है. छोटा बच्चा है उसको उसका बिहेवियर को मैनेज करना आसान होता है. उसमें हम सडन वाले पार्ट पे भी चल जाते हैं. इसकी ग्रेजुअल होगी और ऑर्गेनाइज वे में होगी. कल आपने इसको सर्विंग लंच बॉक्स में जो चीज आती है, एक तो घर से बताए पहले कि वहां से थोड़ी भेजे, भूख बर्दाश्त करे ना, मींस एंड समझे कि खत्म भी करना है मैंने. वो वहां पे एक ड्रिल आप करेंगे उसके साथ, लेकिन अदरवाइज रूटीन के अंदर जो हमारी एक्टिविटीज होती है उसके अंदर भी ये चीजें होनी जरूरी है. ठीक है, सलाम करना बड़ी अच्छी बात है, सलाम करना अच्छी बात है. कितना करीब होने, कितना दूर रहना है, बड़े बच्चों में सब में ये प्रॉब्लम हमें नजर आएंगे. तो ये सिखानी हमें कैसे है, इन चीजों को डेवलप करके थ्रू आवर इंटरेक्शन विद डिफरेंट थिंग्स. फुआद के ऊपर आप ये वाला काम ना करें. अब फुआद को ये चीजें प्री स्किल्स पे काम करना, बासिम पे ये काम करना, अली पे ये काम करना बड़ा ट्रिकी हो जाता है. इतने बड़े बच्चे को पाइया है, बच्चा क्या पाइया है, इतने बड़े पाइये को आप क्या खेल खिलाएंगे. अब ये चीजें उसकी आप एक यहां पे आपको इट्स वेरी ट्रिकी. इतने बड़े को क्या करें, खिलौने खिलाएंगे तो खिलौने जो पसंद ही नहीं आएगा, उसको ट्रोट के लेवल से बहुत छोटे हैं उसे. वन वे और अदर आप उसको सीटिंग को अरेंजमेंट को आप रैंडम कर देंगे, खाने को रैंडम कर देंगे. आज तुमने अपना लंच बॉक्स नहीं खोलना, आज तुमने इसका लंच बॉक्स खोलना है, आज थोड़ा शेयर करेंगे, इधर से इधर करेंगे, आज आधा खाना है आधा बाद में खाएंगे. वन वे और अदर बाहर जाता है, नमाज के लिए जाता है, शॉप में जाता है, शॉप की ड्रिल के ऊपर आप उसको इन चीजों को अचीव करेंगे. शॉपिंग की ड्रिल के ऊपर, कंप्यूटर क्लास के अंदर करेंगे, जॉइंट एक्टिविटीज में करेंगे उन बड़े बच्चों को, क्योंकि उनके बिहेवियर अगर आए ना आउटबर्स्ट के तौर पे तो उनको मैनेज करना मुश्किल होगा और वो ग्रेजुअल होंगे. उसको हम सडन फॉर्मूला नहीं लगा सकते, एकदम बड़ी वेव आ रही है उसके सामने बंद करेंगे तो बंद गिर जाएगा. इधर थोड़ा सा बंद देंगे, थोड़ा जाएंगे, 3-4 बंद लगाएंगे, पानी रुक जाएगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बेसिक सिस्टम्स जो हमें रोजमर्रा जिंदगी में चीजें नजर आती है, वो हमारे लिए बड़ी लर्निंग होती है. वी ऑल लर्न ऑन डेली बेसिस, इवन आई लर्न फ्रॉम दीज किड्स. तो यकदम नहीं उसको रोकना, वो बड़ा बच्चा है और बड़े रिएक्शन उसके हो सकते हैं, तो उसके हवाले से ग्रेजुअली उसको फाइन. अच्छा, तो टुडे अभी मैंने जो चीजें हाईलाइट की है कि बिहेवियर के पीछे क्या कहानी होती है उसको समझे, इस रूट पे काम करेंगे ना, जड़ पे, जड़ को सही कर देंगे पौधा ठीक हो जाएगा. ऊपर स्प्रे कर देंगे पौधा ठीक नहीं होगा, ऊपर खराब हो जाएगा. यहाँ पे सीपेज है बाथरूम के अंदर से, यहाँ पे दीवार सारी खराब हुई है, मैं बड़ा अच्छा इसको प्रिंटर लाता हूँ, लगा के इसको अच्छी मरम पट्टी इसकी करके केमिकल्स लगा के उसको सारा सही कर देता, चंद दिनों बाद फिर हो जाएगा. रूट कॉज क्या है, रूट कॉज क्या है, पानी कहीं से लीक हो रहा है, पाइप अंदर से लीक हो रहा है दीवार में, चाहे ऊपर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, मिसाल दे रहा हूं, वो लीकेज मैंने बंद नहीं की और यहां से मैंने इसको मरम्मत करता रहा, पेंट करता रहा, नेवर कैन. वक्ती तौर पे होगा, वक्ती तौर पे बिहेवियर ठीक नजर आएगा आपको अगर आप वक्ती तौर पे उसको काम करके ऊपर ऊपर काम करेंगे. आई ऑलवेज प्रेफर टू वर्क ऑन दीज, रूट बेहतर हो गया, टाइम ज्यादा लग जाएगा, फिर क्या हो, मैं 6 साल में वो आया, मैं परेशान नहीं हुआ, मुझे पता है चैलेंजिंग, मुझे पता था सी विल क्राई, लेकिन ये टीम एफर्ट इसमें बहुत जरूरी है, ये चीज उनके पेरेंट्स के साथ में करना होगा. तो वो जब तक हम इसकी बेस पे बुनियादी प्रॉब्लम जहां से शुरू हो रहा है उसको सही नहीं करेंगे,
बच्चे के बिहेवियर चीज में, और बिहेवियर्स को एनालाइज करेंगे इन इस डिसऑर्डर के पर्सपेक्टिव में, इसको ध्यान में रखते हुए कि ये रेपिटेटिव है। रेपिटेटिव का फायदा भी होता है मुझे, मैं एक काम लगातार को कराता हूँ तो रिपीटेडली उसको करने का आदि हो जाता है। पहले मैं आदि करता हूँ उससे फिर उसको रैंडम करना शुरू कर देता हूँ, उससे भी फर्क पड़ जाता है। ठीक है, नया बच्चा ज्यादा उस तरह का है उसको कोई जो काम वो रिपीट कर जाता है उसके लिए कुछ और रिपीट करवा देता हूँ, पकड़ के हाथ किए वो करके जो कर दिया वो एक तो रैंडम हो गया ना, उतने से जाए इसको करने लग गया, अब उससे फर्दर आगे ब्रेक करना शुरू कर दिया, थोड़ी देर बैठते हैं ज्यादा देर ज्यादा। आप लोग अगर एक बच्चे को जो आते हैं बैठने वाले नहीं बैठने वाले उनको अगर आप शुरू से नहीं आदि करेंगे, शुरू में प्रॉब्लम आएगा, फिजिकली भी पकड़ना पड़ता है बैठने के लिए। ये बच्चा जिसकी हमने बात की यूसुफ की, इसकी पहले शुरू में देखे कितना मुश्किल था इसको बिठाना, नहीं क्राइम भी कितनी सुयर की थी, आज 30 मिनट का कितना सेशन हुआ बैठा था, अभी दो दिन उठा है, तो मैं समझता हूँ डेढ़ महीने में अगर इतनी देर बैठेंगे उस लेवल पे आ गया तो समथिंग गुड अचीवमेंट है, तो ये ग्रेजुअल बढ़ती जाएगी आगे जाके इंशाल्लाह। बहुत सारे अच्छा फिर स्पीच के हवाले से भी क्या होता है, देखिए ये चीजें बेहतर हो जाए, इस पहले ये बेहतर होंगी फिर ये बेहतर होंगी, स्पीच भी सही हो जाएगी, कम्युनिकेशन आ जाएगा, सोशलाइजेशन ठीक हो जाएगी, सब कुछ नेचुरल वे में हो जाता है। ऑटिज्म की बात करो स्पेसिफिकली, किसी और डिसऑर्डर की बात नहीं, ऑटिज्म स्पेसिफिकली, ये स्पीच को सही कर देते हैं ये काम। कितनी एग्जाम्पल्स हैं जो नहीं बोलते थे बोलने लग गए, हमने स्पीच के में क्या किया उनको, क्या हमने साउंड प्रोडक्शन करवाई है, कुछ तरह का काम करवाया, वी जस्ट फोकस दीज थिंग्स, बिहेवियर्स को समझते हुए उनको ग्रेजुअली लगे रहे उस तरह कुछ बेहतर होगी। फाइन, विल कंटिन्यू फर्दर इससे आगे बिहेवियर के ऊपर, अभी आपको बिहेवियर का थोड़ा सा कुछ चीजों का अंडरस्टैंडिंग हुई है, बिहेवियर स्टार्ट कहां से होता है, अब आप आगे बिहेवियर मॉडिफिकेशन की तरफ हम विल डिस्कस इट टुमारो इंशाल्लाह। कोई क्वेश्चन किसी का यहां पे अब तक की बात हमने की है, कोई क्वेश्चन है Thank you very much. Sorry, I have a question. Madhuri, kya ek ye mujhe message mila tha. I'm sorry, my apologies. Main aapko reply nahi kar saka, kafi dinon se mere paas se dil se chalta raha saath. How to deal with learned behavior adopted from environment? Learned behavior adopted in typical development process, children learn from environment which is positive point, but in ASE children can't discriminate between good or bad. They imitate what they see in group, how to reduce the opportunity of odd behaviors adoption. Group के अंदर जब हम काम करते हैं तो एक बच्चा जो odd behavior show करता है उसको दूसरा learn कर लेता है, उसको कैसे रोका जाए, it's very important. और मूसा की मदर का भी यही concern था जो उन्होंने show किया, मैंने फायर को कर दिया, justify मैंने उनको कर दिया कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बट इट्स इम्पोर्टेंट, जरूर है ये, क्योंकि हमें जब हम ग्रुप में काम करते हैं उस वक्त हमें सारे बच्चों के ऊपर फोकस करना होता है, सबका डिसऑर्डर के हिसाब से अलर्ट रहना पड़ता है, सबके बिहेवियर को देखना पड़ता है, सब जॉइंट एक्टिविटी है, जॉइंट, तो जॉइंट के अंदर जॉइंट अटेंशन होनी चाहिए, जॉइंट प्ले होना चाहिए, जॉइंट में ये नहीं होना चाहिए अगर देखो किसी ने कहा से ऑस्ट्रेलिया से मूवी वीडियो भेजी थी, वो क्या नाम रहता है छोटा जो है हसन खालिद, तीन बच्चे ले चार पैदा तीन बच्चे लेके बैठी हुई थी वो थेरापिस्ट जो भी थी, एक के साथ कर रही थी दूसरे दो क्या कर रहे हैं वो नहीं कर, जॉइंट एक्टिविटी, जॉइंट एक्टिविटी में जॉइंट अटेंशन आ जाती है पीस के से और जॉइंट प्ले आ जाता है, देन इट सोशलाइजेशन आ जाती है, देन इट इज गुड। अगर जॉइंट में मैं एक को कर रहा हूं और बाकी पीछे क्या कर रहे हैं वो ये वाली चीजें कर रहे हैं या कोई और बिहेवियर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अटेंशन नहीं दे रहे हैं, प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, तो वो जॉइंट एक्टिविटी नुकसान दे रहे हैं, उसमें फिर क्या होता है कि बच्चा दूसरे की बात चीज पिक करना ज्यादा आइडल और फर्क है, वो देख रहे जो नजर आ रहा है उसको कॉपी कर लेगा, इमिटेशन इज अ नेचुरल स्किल, तो उस इसलिए जरूरी है कि जॉइंट एक्टिविटी में हमारा फोकस सारों के ऊपर हो, उसमें आई ऑलवेज ट्राई कि जहां भी जॉइंट एक्टिविटी होती है मैं एक टीचर को नहीं देता बल्कि साथ उसको असिस्ट करता हूं विद सम अदर सपोर्ट ताकि आपके लिए मैनेज करना आसान हो,
आज का सेशन मैंने ये जो इसका दिया है तीन बच्चों का, ये आप सब देखिएगा, आई विल रिक्वेस्ट यू दिस विल हेल्प यू फॉर द जॉइंट एक्टिविटी. इट्स इजी, नॉट इजी, इट्स डिफिकल्ट, चैलेंजिंग. सालों को हालांकि इन तीनों बच्चे बेहतर थे मेरे हिसाब में, लेकिन इन तीनों को इकट्ठे इन्वॉल्व रखना, तीनों के बिहेवियर को मैनेज करना इट्स वेरी चैलेंजिंग. उसके लिए जान मारनी पड़ेगी आपको, अलर्ट रहना पड़ेगा आपको, सांस चढ़ेगा आप थक जाएंगे. दिस इज सोचा नहीं तो आपको तो मैं साथ एक सपोर्ट देता हूँ, मैं तो चार चार पांच पांच को भी अल्हम्दुलिल्लाह करा लेता हूँ, लेकिन आपको तो मैं सपोर्ट देता हूँ. अब अगर आप उस जॉइंट सेशन के अंदर ऑड बिहेवियर कोई कर रहा है तो उसको नहीं देखेंगे, कोई स्ट्रीमिंग कर रहा है, कोई थ्रो कर रहा है, बट ओवर ऑड बिहेवियर इज बीइंग एग्जिबिटेड, तो फिर उसका नुकसान क्या होगा, तो दूसरे बच्चे भी लर्न कर लेंगे. तो एक दूसरे जो हमारी बात क्वेश्चन आपका है कि ऑड बिहेवियर ऑटोनोम वाले बच्चे को तो उसको सेंस नहीं है कि क्या सही क्या गलत, उसने तो जो देखना है उसने उसको रिपीट कर देना है, पिक कर लेना है, तो वो रिपीटेडली कर करके वो स्ट्रॉन्ग कर देगा, तो एक बड़ा मसला बन जाएगा कि बच्चे का जो चीज ऑड उसमें नहीं थी तो उसकी वो हमने अपॉर्चुनिटी उसको दे दी सीखने की, तो दैट इज वेरी रॉन्ग. इसलिए जॉइंट एक्टिविटीज के अंदर बहुत आपको अलर्ट रहने की जरूरत है और उसको समझ के करना जरूरी है कि जॉइंट एक्टिविटी है क्या. ठीक है, जब ये चीजें बेहतर हो जाती है ना फिर गुड लर्निंग स्टार्ट होती है. जब ये बुनियादी चीजें बेहतर होती है तब उसको सेंस आता है, समझ आती है, तब वो सीखना सही शुरू है. चिल्ड्रन ऑन एएसडी आर नॉट बैड, let me tell you, अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं. They have problems, try to understand. उसका रोना फेंकना चीखना is not bad to me. उसकी मजबूरी है, उसके अख्तियार में नहीं है, उसे सीखा नहीं है. I love these kids. सर वो एक वीडियो दिखाई थी ना हमने अपने पिछले उसमें वर्कशॉप में जिसमें वो क्या सोच रहा है और वो क्या देख रहा है वो हम दिखाएंगे अब आपके नेक्स्ट उससे पहले ताकि वो अंदाजा हो जाए कि मैं खुद अपने आप को महसूस कर सकता हूँ अपने अंदर जो चीजें मैंने फेस की थी किसी स्टेज ऑफ लाइफ पे कि इस वक्त इसमें क्या गुजर रही है, किस डिस्टर्बेंस में ये है. आई कैन सेंस दैट. इसलिए प्लीज लव देम, बी गुड टू देम. इवन इफ दे आर स्पिटिंग ऑन यू, इफ दे आर हिटिंग इवन, बी गुड टू देम. इनका प्रॉब्लम है, दे नीड आवर लव, they need our affection. That will change them. हम सिखाएंगे, हम बेहतर करेंगे, हम मिल के एफर्ट करेंगे, हम पेरेंट्स को गाइड करेंगे. This will help, इंशाल्लाह. लिमिटेड टाइम दिखाएं, दिखा के उसको जो है डिफरेंटली इंटरेक्ट करवाएं, अप्रोप्रिएटली इंटरेक्ट करवाएं, फिर गाइड करें. जैसे हमने जारा के केस में किया था, अल्फाबेट से दी हमने उसको अल्फाबेट दिखाने बंद कर दिए थे, उसकी लर्निंग स्टार्ट हो गई, वोकल हो गई, वर्बल हो गई. ठीक है, अब ऑब्सेशन भी कम होना शुरू हो जाती है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो उससे दूरी जो है वो, और अपॉर्चुनिटी सही मिलती नहीं है उसको, लिमिटेड कर दी उसको ऑब्सेशन वाली चीज से. कार से है, कार से प्रॉपर प्ले कराए, कार गायब, डोंट अलाउ देम टू स्पिन और डू इट इन अ प्रॉपर्टी, दैट विल हैपन. बॉल का था उसका किसी का बच्चे का अहमद का था, हमने बॉल से सही प्रॉपर प्ले में सुना, कम हो गया जी सर, खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ, कम हो गया, उसे पता लग गया कि मैंने कैसे खेला. तो ये फॉर्मूला यही है कि जिस चीज ऑब्सेशन है वो टोटली दूर कर देना, उसमें लालच रहेगी, क्योंकि अगर दूर कर दो चाहत रहेगी, जब नजर आता है तब वो ज्यादा जोर से उतर जाएगा. आप उसको सही कर दें, सही तरह बाकी टाइम गायब करें, फिर उसको कर दें. अपने टॉयज को भी आप कंप्लेन करें, टॉयज भी आप इस तरह कर सकते हैं कि एक क्लास से दूसरी क्लास में चले जाएं आफ्टर सम टाइम, टू थ्री दोनों कोऑर्डिनेटर दोनों नहीं है, ये बात बतानी जरूरत है. इंटरचेंज टॉयज वगैरह भी हम उस पर कर सकते हैं टू मेंटेन दी देयर इंटरेस्ट एंड इन्वॉल्वमेंट, वरना वो फेड अप हो जाते हैं या रेपिटेटिव वे में चले जाते हैं, दोनों चीज़ें हो जाती हैं. थैंक यू वेरी मच.